उड़ीसा के पुरी तट पर प्रसिद्ध मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक ने डेंगू के प्रति लोगों को अपनी कला के जरिए संदेश दिया है। डेंगू से अवेयरनेस को लेकर सुदर्शन पटनायक ने रेत पर एक खास आर्ट बनाया है। इसमें एक शख्स सोया है, उसके ऊपर डेंगू का मच्छर बैठा है। इसके सामने सुदर्शन पटनायक ने लिखा है, डेंगू को पनपने से रोकें। अगर डेंगू का मच्छर जन्म लेगा तो आपका खून निकलेगा। सुदर्शन पटनायक हमेशा कुछ न कुछ आर्ट बनाकर लोगों को संदेश देते रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी तरफ से डेंगू को लेकर यह खास आर्ट लोगों के लिए फायदेमंद है। और डेंगू को लेकर इस सैंड आर्ट में एक संदेश दिया गया है, डेंगू से कैसे बचें, इसके लिए शरीर को ढककर सोए, शरीर का कोई अंग खुला न रखें। इस आर्ट में जो शख्स सोया हुआ है उसका आधा से ज्यादा शरीर खुला हुआ है और डेंगू का मच्छर उसको काट रहा है, इसलिए जब भी सोए शरीर को ढककर सोए, डेंगू मच्छर से बचिए। पैनिक ना हो, कितना ना डर, हम लोग आगे आके डेंगू को ये करना चाहिए। कैसे भी हम लोग हमारा जो परिवेश है उसको परिष्कार रखना बहुत जरूरी है। जैसे मलेरिया के बारे में हम लोग पहले देखते थे कि इमीडिएटली गो फॉर अ ब्लड टेस्ट, बट अभी हम लोग डेंगू जो इट हैज बिकम वेरी प्रोमिनेंट दीस डेज, वी मस्ट इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल, गो फॉर द ब्लड टेस्ट इमीडिएटली। एंड देन जो आप पीछे देख रहे हैं सुदर्शन पटनायक जी, जो हमारे बहुत ही जाने माने सैंड आर्टिस्ट हैं, उनका जो क्रिएशन है ये वर्ल्ड वाइड बहुत अवेयरनेस क्रिएट करता है, बहुत लोगों तक मैसेज पहुंचाता है।